फाइनली दोस्तों YouTube ने एक वीडियो एडिटिंग ऐप लॉन्च किया है और उस ऐप का नाम है YouTube Create। इस ऐप की मदद से YouTube के लिए वीडियोस, शॉर्ट्स, रील्स वगैरह बना सकते हैं। अभी तक बहुत सारे लोग KineMaster, PowerDirector, Vine एप्लीकेशन या फिर InShot यूज करते हैं, लेकिन अब आपको ये सब एप्लीकेशन यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके जगह पे YouTube Create यूज कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री है, मतलब कोई पैसे नहीं देना है। जैसे और भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, एडिटिंग ऐप्स है, तो वहां पे पैसे देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये जो ऐप है ये बिल्कुल फ्री है। और इसका दूसरा फायदा ये है कि इसमें आपको कोई वाटरमार्क नहीं दिखता है। क्या बात है। जैसे अगर आप अभी प्ले स्टोर में जाकर सर्च करेंगे KineMaster और उसे इंस्टॉल करके यूज करेंगे तो वहां पे वाटरमार्क का इश्यू आता है, लेकिन यहां पे आपको कोई वाटरमार्क नहीं दिखेगा। और इसका तीसरा एडवांटेज ये है कि ये एकदम इजी टू यूज है, मतलब एक छोटा सा 10 साल का बच्चा भी आराम से एडिट कर सकता है, आराम से यूज कर सकता है। इतना सिंपल है कि आपको यूज करने में भी मजा आएगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और इसका चौथा एडवांटेज ये है कि इसमें आपको बहुत सारे म्यूजिक्स मिलते हैं। म्यूजिक, जो भी यूट्यूब है, यूट्यूब क्रिएटर है, उन्हें पता है कि भाई जब म्यूजिक फाइंड करते हैं तो कितनी दिक्कत आती है। एक तो जल्दी अच्छी मिलती नहीं है, अगर मिलती भी है और उस म्यूजिक को हम वीडियो में ऐड कर देते हैं और अपलोड करते हैं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है या फिर क्लेम आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलने वाला, कोई क्लेम नहीं मिलने वाला। ओह माय गॉड, वाओ, क्योंकि यहाँ पर पूरी यूट्यूब की लाइब्रेरी इंक्लूड है और बड़े मजे से यूज कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन आपको बता दें कि ये अभी बेटा कंडीशन में है, बाप के कंडीशन में नहीं आया है। मेरा मतलब ये है कि इसका अपडेट आता रहेगा, मतलब इसी एडिटिंग ऐप को एकदम एडवांस लेवल का बनाया जाएगा। और जो भी एंड्रॉइड यूजर है उन लोगों के लिए खुशखबरी है, खुशखबरी ये है कि ये सिर्फ अभी एंड्रॉइड के लिए आया है, iOS के लिए नहीं आया है। iOS के लिए 2024 तक आ सकता है। खैर, अब हम चलते हैं एडिटिंग की तरफ कि इस ऐप को, YouTube Create ऐप को कैसे यूज करना है, कैसे कट्स लगाने, कैसे म्यूजिक्स ऐड करने, कैसे टेक्स्ट लिखना है, सारी चीजें बताऊंगा एकदम डेप्थ में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये जो एडिटिंग का मामला है ये मोबाइल वाला है, मतलब मोबाइल से एडिट कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से एडिट नहीं करना चाहते हैं तो आप पीसी से कर सकते हैं। तो पीसी के लिए जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। बहरहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि फुल ट्यूटोरियल बतानी है इसी वीडियो के अंदर। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस, ऐसी लेटेस्ट अपडेट अब तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। चल 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 चल। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च बार में टाइप करें यूट्यूब क्रिएट, फिर सर्च करें। उसके बाद यहाँ पे देखिए यही एप्लीकेशन है जिसकी 4.5 की रेटिंग है और इस एप्लीकेशन का जो साइज है वो है 58 MB और इसे 50,000 लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया है, मतलब लॉन्च होते ही 50,000 लोगों ने डाउनलोड कर लिया और इसे हमने भी डाउनलोड कर लिया। चलिए इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा, तो आप किसी भी ईमेल आईडी पे क्लिक करके साइन इन कर सकते हैं। साइन इन होने के बाद कुछ इस तरह से शो होगा, ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ। खैर, हमें वीडियो एडिट करना है तो हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस ऐप को परमिशन देंगे, फिर यहाँ पे आपके जो भी वीडियोस हैं उसको सेलेक्ट कर लें। अब आ गई एडिटिंग की बारी। यहाँ पे देखिए ओवरलेस का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी मीडिया है, फोटोज एंड वीडियोस को सेलेक्ट कर सकते हैं ओवरलेस की मदद से। ये हो गया सिलेक्ट। अभी हम इसे ड्रैग करके इधर कर देते हैं कॉर्नर पे। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वीडियो के स्टार्टिंग में जो पार्ट है वो खराब है, उसे कट करके हटाना है, तो जितना कट करना है उस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, फिर इधर साइड में देखेंगे तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट पे क्लिक करेंगे वो पार्ट डिलीट हो जाएगा। ये देखिए हो गया डिलीट। अब नहीं करने वाले हैं पूरे डिटेल में सेबी के बारे में। अब हम जाएंगे टेक्स्ट में, तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक प्लेन टेक्स्ट और दूसरा टेक्स्ट इफेक्ट्स। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट इफेक्ट्स पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट इफेक्ट्स को यूज करने के लिए इंटरनेट का होना जरूरी है, तो इसलिए हम डेटा ऑन कर लेते हैं। हो गया ऑन। अब हम बैक जाते हैं और फिर से हम टेक्स्ट इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कितने सारे टेक्स्ट है। यहाँ आपको बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट्स मिल जाएंगे, इतना कि आपको मजा आ जाएगा। ये देखिए कितने सारे हैं। तो यहाँ पे हम किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और लिखते हैं टेक्निकल मेहताब। हो गया, डन पे क्लिक किए। अब इसको छोटा करेंगे, हम रिसाइज करेंगे और यहाँ बीच में लगा देंगे। ये लग गया, ठीक है। यहाँ पे साइज है, फॉन्ट है, कलर है,
तो आपको जो मर्जी चाहे आप कोई भी फॉन्ट ले सकते थे कि कितने सारे, इतना कि मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कौन सा फॉन्ट ले कौन सा ना ले। और इसमें कलर्स है, टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है वो है, फॉर्मेट है, अब देखिए यहाँ पे बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन वाला है, मतलब किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आउटलाइन है, फिर शेडो है, इसका थिकनेस है, ओपेसिटी है, मतलब आपको जो अच्छा लगे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम एनिमेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट एनिमेशन है। ये देखिए टेक्स्ट एनिमेशन, आप जो मर्जी चाहें वो यूज कर सकते हैं। और अगर आप रोटेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एंगल दिया हुआ है कि आप कितने एंगल तक रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए कैसे टेक्स्ट रोटेट हो रहा है, मतलब जो टेक्निकल मेथड है वो रोटेट हो रहा है। अब हम टेक्निकल मेथड टेक्स्ट को ड्रैग करके पोजिशनिंग करते हैं, मतलब बीच में सेट कर देते हैं। ये हो गया सेट। अब देखिए यहाँ पे स्टिकर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर्स है, GIF है, इमोजीज है। मैं यहाँ पे लाइक एंड सब्सक्राइब वाला स्टिकर लगाता हूँ। ये देखिए अप्लाई हो गया। अब हम इसको रिसाइज करते हैं, हाँ इतना सही है। अब हम इसको ड्रैग करके साइड कर देते हैं, हो गया साइड। फिर से हम स्टिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ GIF में जाएंगे। यहाँ पे देखिए GIF, यहाँ पे बहुत सारे GIFs मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे हम बाबू वाला लगा देते हैं, लुढ़कने वाला। इसको करते हैं सिलेक्ट। अब इसको ड्रैग करके साइड में ले आते हैं कॉर्नर पे, और फिर इसे रिसाइज कर देते हैं। ये हो गया रिसाइज। अब यहाँ फिल्टर पे क्लिक करके GIF के फिल्टर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अब जाते हैं इफेक्ट्स में, हम यहाँ पे 3D ग्लासेस वाला इफेक्ट यूज कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया। इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें साउंड का भी फीचर दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे साउंड्स मिल जाएंगे, बहुत सारे म्यूजिक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे साउंड्स इफेक्ट्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो आप अपने डिवाइस के स्टोरेज से भी साउंड को चूज कर सकते हैं। फिलहाल हम एक साउंड को ऐड करके देखते हैं कैसा लगता है। आखिर इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, इसके पर्पसेस क्या है? एक चीज हमेशा याद रखें कि जब भी कोई साउंड ऐड करे, कोई म्यूजिक ऐड करे, कोई साउंड इफेक्ट्स ऐड करे, तो उसकी जो वॉल्यूम है वो कम होनी चाहिए। तो यहां पर हम 15 पे सेट कर देते हैं, उसके बाद डन करते हैं। और यहां पे देखिए साउंड फेड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। फेड का मतलब होता है कि जब आप कोई भी म्यूजिक ऐड करते हैं तो वो म्यूजिक ऐड होने के बाद अगर फेड इन करते हैं तो म्यूजिक जो है वो एकदम धीरे से स्टार्ट होगी, मतलब धीरे 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 करके उसके बाद फुल वॉल्यूम में आएगी। अगर फेड आउट करते हैं तो जो म्यूजिक है वो म्यूजिक आखिर में जाके वो धीरे 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 करके बंद होगी, एकदम आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पे फाइन बिट्स है, यानी बिट्स को आप फाइन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ऑडियो क्लीनअप का भी फीचर दिया हुआ है, जिससे आप अपनी वॉइस को, अपनी आवाज को क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर पे क्लिक करके इसको परमिशन दे देंगे, उसके बाद हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कुछ भी बोल के, जैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे दिया हुआ है कैप्शन का, आप चाहे तो कैप्शन ऐड कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। उसके बाद वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए एस्पेक्ट रेशियो है, जो मर्जी चाहे आप उस पर बना सकते हैं। चलिए हम यही एस्पेक्ट रेशियो रहने देते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट करते हैं। ये हो गया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में देखिए 1080p है और फिर 720 है, तो हम 1080p पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब ये हो रहा है एक्सपोर्ट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, आगे भी ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी एडिटिंग सीख सके। खैर मैं मिलता हूं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।